देश के अंदर लिंचिंग का बहुत माहौल बन गया है और ये डेमोक्रेसी की हत्या है कि जब ऑन सुप्रीम कोर्ट में केस रजिस्टर हो गया तो पुलिस ने रिमांड पे क्यों नहीं लिया? क्या कोई कमर्शियल आदमी होता तो पुलिस रिमांड पे नहीं लेती? यूपी में तो निष्पक्ष काम होता है, तुरंत यूपी में जो हुआ वो लॉ एंड ऑर्डर की हत्या है, ये मॉब लिंचिंग का माहौल देता है, ये तानाशाही ले चुका है, लोकतंत्र तानाशाही को ले चुका है। क्या अखाड़ा बन गया? ये जो जंतर मंतर, ये जंतर मंतर उनका 24 में सुपड़ा साफ करेगा, जिस तरह से 19 के बाद इनका रीजनल पार्टियों ने सुपड़ा साफ किया, पंजाब अकाली दल ने, बिहार जनता दल यूनाइटेड ने, महाराष्ट्र जिससे उद्धव ठाकरे ने, वही 24 में इनका जनता, भारत का पूरा जनता, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक इनका सुपड़ा साफ करेगी। जिसपे यूपी है उस पे ही देश है। क्या यूपी? अरे यूपी जवाब देते, जवाब देते, आपको जवाब देते। टेंडर बने हुए हैं, ये कौन है? राम इनका है क्या? जो महात्मा गांधी लोग क्या बोलते थे, गणपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको अनुमति दे भगवान। मेरा एक सवाल है, गांधी को नहीं मानते, एक मिनट, ये तो गांधी को नहीं मानते, ये क्या बात करेंगे देश हित की? ये दलाल थे ब्रिटिश के, ये ब्रिटिश के दलाल, ये क्या देश हित की बात करेंगे? और मेरा एक सवाल है, नहीं, आप कह रहे हो यूपी के भरोसे सारा इलेक्शन है, आप मीडिया से, यूपी में एमपी के टोटल कितने सीटें हैं? यूपी में एमपी के ज्यादा सीट आ गई? अरे टोटल लोकसभा के